हेलो साथियों, सुजान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और अभी जो हमारे फर्स्ट ग्रेड की जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, उस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो पोर्शन है वो कर रहे हैं। मैकेनिक्स वाला लगभग हमारा पोर्शन कम्प्लीट हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर मैंने स्टार्टिंग के जो दो वीडियो बनाए हैं वो आपको कम्प्लीटली सिलेंड्रिकल और जो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है हम आगे बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, तो उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी, है ना, कम्प्लीटली। और अब जो आगे और उसके अंदर हमने मेनली जो हमारे तीन थ्योरम यूज आएंगे, ठीक है, जो इंटीग्रल जो हमारा है कह सकते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस के एक तरह से है वो, ठीक है, तो या फिर वेक्टर कैलकुलस के हैं, तो उसके अंदर हमने क्या किया कि लाइन टू एरिया और एरिया टू वॉल्यूम इंटीग्रल, इन तीनों में आपस में जो रिलेशन है वो हमने फाइंड आउट कर लिए थे। और उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आया था जिसके अंदर हमने कूलम्स लॉ देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कूलम्स लॉ हो गया, कूलम्स लॉ के साथ साथ में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे, और एक मैंने और उसके बाद में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने देख लिया था। अब जो है, क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था, वो मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जो दिया था मैंने आपको करने के लिए। ये क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको सिंपल सिंपल, देन उसके बाद में फिर हम आगे कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि ये मान लीजिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ होता है वो होता है गॉस का लॉ, उसके ऊपर चलेंगे। उससे फिर हम जो है आगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं मेनली कि कोई सिचुएशन बना के आपको देंगे कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड और ये सब कुछ निकालिए, वो हम सब निकालने वाले हैं उससे, ठीक है। चलिए, तो एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये वाला कि जो चार्ज है किसमें चल रहे हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पोर्शन है उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, दो चार्ज थे यानी कि एक क्यू और दूसरा भी क्या था क्यू, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी एल, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, इस पॉइंट पी पे क्या करना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बड़ा सिंपल सा, आप क्या करेंगे यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आर, सिमिलरली यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी आर, क्योंकि ये क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, इक्विलेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन मान लीजिए क्योंकि ये सेंटर से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, तो सेंटर से ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी आर रहेगी, ये भी आर रहेगी, ठीक है। अब आगे देखिए कि यहाँ से नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना तो मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी ये वाली, ये मेरा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर मैं जाऊँगा तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको मैं क्या करता हूँ इस कंपोनेंट में बांट लेता हूँ, ये अगर एंगल थीटा है, ठीक है, ये जो मैं मान रहा हूँ, अगर ये भी एंगल कितना है थीटा है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब इस E1 का इस तरफ मैं वैल्यू लूंगा तो क्या आएगा, E1 cos थीटा, और इसकी वैल्यू इस तरफ लूंगा तो क्या जाएगा, E2 cos थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू इस तरफ लूंगा तो क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा, और ये हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस केस के अंदर मैं देखूं तो मेरा E1 और E2 ये दोनों क्या होंगे, अगर इसका मैं मॉडुलस लेता हूं दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों होंगे, देखिए यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, डिस्टेंस कितनी है आर है, तो ये कितना हो जाता है, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से लेता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास KQ, ठीक है, KQ अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस के फॉर्म में लो रहा हूं, तो कुल मिला के ये भी KQ अपॉन आर स्क्वायर, ये भी KQ अपॉन आर स्क्वायर, तो ये जो दोनों एड होंगे यानी कि इसका जो थीटा वाला फंक्शन है वो तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि जो प्लेन के अंदर होगा या जो हॉरिजेंटल होगा वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट, और जो वर्टिकली कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो जो कंपोनेंट होगा वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो जो टोटल मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2, क्योंकि 2 टाइम्स दोनों जुड़ेंगे, तो 2 टाइम्स E1 cos थीटा, एक सेकेंड सॉरी इंटरप्ट के लिए, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हम चल रहे थे इसके ऊपर, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E=2E1 cos थीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2E1 cos थीटा। तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से अगर मान लीजिए मैं क्या अगर उसमें रखना चाहूँ 4πε0 में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, Upon R square, ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी 2Q upon 4πε0 R square और cos थीटा, ये मेरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा, तो देखिए cos थीटा ये है ना, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना होगा, बेस हो जाएगा मेरा d इसके अंदर, ठीक है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस, और ये हाइपोटेनियस,
तो डी अपॉन आर, और आर क्या हो जाती है, तो यहाँ से देखिए इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आर हो जाएगी मेरी एल बाई टू का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो टू क्यू और फोर पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू जाएगी डी अपॉन आर, तो उससे पहले आर की वैल्यू रख देते, तो आर के स्क्वायर करना अपने को, आर क्या चाहिए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर। ठीक है, एल बाई टू का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये चलिए इस तरह से, और यहाँ क्या बनेगा वन अपॉन एल बाई टू का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर टू पावर वन बाई टू, क्योंकि इसकी वैल्यू मिलेगी ना अपने को भाई, कोस थीटा की वैल्यू क्या रखोगे डी अपॉन आर, तो आर की वैल्यू क्या है ये, डी की वैल्यू क्या है ये, तो डी अपॉन आर ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, सिंपली इसको सॉल्व करूंगा तो टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से ये हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय यहाँ से एल स्क्वायर प्लस ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा फोर डी स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाई टू। ठीक है, फोर टू दी पावर कितनी हो गई थ्री बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अगर मान लीजिए ये जो है फोर अपना बाहर आएगा, फोर की पावर कितनी है थ्री बाई टू, है ना, फोर की पावर कितनी है थ्री बाई टू, तो ये एक क्या बचेगा यहाँ पे जो फोर वन बाई फोर जो बाहर आएगा, यहाँ क्या आएगा वन बाई फोर वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा या यहीं रह जाएगा, सॉरी डी अपॉन ठीक ठीक है वो क्या जाएगा ऊपर की ओर जाएगा, तो कुल मिला के वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, तो वैल्यू कुल मिला के बन जाएगी ये इस तरह से कि चलिए एक बार मैं इसको यहीं लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो, ये हमारी वैल्यू क्या मिलेगी ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मिलेगी तो ये कैसे ले जाएगी ऊपर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से अगर मैं आगे सोल्व करूँगा इसको, तो ये वैल्यू मिलेगी टू क्यू डी, ठीक है टू क्यू डी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फोर ऊपर चला जाएगा तो फोर टू द पावर थ्री बाई टू, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा टू का क्यूब लिख सकते हैं इसको, अगर यहाँ से इसको हटाता हूँ तो मैं, है ना भाई, फोर टू द पावर थ्री बाई टू है। ठीक है, फोर टू द पावर थ्री बाई टू का मतलब क्या हुआ, इसका रूट लेंगे तो कितना हुआ टू की पावर थ्री, तो कितना हुआ एट। ठीक है, तो टू की पावर थ्री, यानी कि चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ पहले, तो कन्फ्यूजन नहीं, अपन स्टेप छोड़ रहे नहीं, है ना, टू क्यू, अब ये कितना हो जाएगा एट हो जाएगा, तो एट हो जाएगा, तो एट से इसको कैंसिल आउट कर देंगे फोर को, तो कितना बचेगा एट से जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे फोर को, तो ऊपर बचेगा टू, तो कितना हो जाएगा फोर, तो फोर क्यू डी अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर फोर डी स्क्वायर थ्री बाई टू। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा यहाँ आपको ट्वेल्व दे देंगे ताकि जो अपने किया ना कैलकुलेशन वो यहीं अपनी सॉल्व हो जाएगी, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आगे सॉल्व में ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको एक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको करना है, जो वो क्या क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए ये चार्ज जो है वो एक प्लस क्यू है तो दूसरा क्या है मान लीजिए माइनस क्यू। ठीक है, ये दूसरा चार्ज क्या है माइनस क्यू है, और यही क्वेश्चन आपको दिया है, तो इस क्वेश्चन में अब आप क्या करोगे वो मुझे करके बताना। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, देन उसके बाद फिर आगे आप करना। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, चेंज क्या किया आप मैंने, अच्छा इसकी डायरेक्शन पूछेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी पहले वाले में डायरेक्शन क्या हो जाएगी वाई केप, क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मान लीजिए इस डायरेक्शन में क्या है वाई केप और इस डायरेक्शन में क्या है एक्स केप, तो प्लेन में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आ रही थी, अगर उसमें डायरेक्शन भी दे रखी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, इस वाले केस में जो भी हमने किया था उसमें वाई केप उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या है कि जो चार्ज है वो एक पॉजिटिव है एक क्या है नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक क्या है नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा बाहर की ओर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, तो ये हमारा पास हो गया E1। ठीक है, नेगेटिव की वजह से किधर रहेगा नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर आती है, तो इसका मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा ये इस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये कौन सा होगा आपका E2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये है कि इनके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तो ले लीजिए कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट एक तो इस डायरेक्शन में होगा एक किसमें होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये एंगल कितना है थीटा, तो इसका यहाँ लेंगे तो क्या होगा आपके E1 cos थीटा, यहाँ क्या आएगा E1 sin थीटा, इसका इस तरफ लेंगे तो क्या आ जाएगा E2 sin थीटा, इस तरफ E1 cos थीटा, तो इस बार क्या होगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा से क्या होगा
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हॉरिजेंटल वाला है वो क्या हो गया, एक दूसरे से कंपोनेंट कैंसिल आउट, और जो आपका क्षैतिज वाला है यानी कि जो आपका वर्टिकली वाला जो क्या हो गया वो कैंसिल आउट हो गया ऊर्ध्वाधर वाला, और जो हॉरिजेंटल वाला है यानी कि जो आपका क्षैतिज है वो क्या हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार किसकी वजह से होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप लिखोगे पहले तो ई1 इक्वल टू ई2 होगा, किसमें मोड में, वो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो वही आ रही है इस पॉइंट की पी की, अगर देखे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के साथ साथ में अब क्या करोगे, नेक्स्ट हमें करना है कि ई1 साइन थीटा लेना है ना, तो कुल मिला के जो ई मिलेगा वो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ई1 साइन थीटा, ई1 की यहाँ से वैल्यू रख दो, साइन थीटा क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस बार जो d अपॉन l आ रहा था उसी से क्या आएगा, l बाई टू अपॉन r आ जाएगा, ठीक है। क्या आ रहा था, d अपॉन r आ रहा था, cos थीटा की वैल्यू इसकी जगह sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, l बाई टू अपॉन r, वो वैल्यू उसमें आ जाएगी, ठीक है। करके देख लेना ये क्वेश्चन, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो बना के दिए जा सकते हैं जिसमें आपको कंपोनेंट निकाल के उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो नॉर्मली मैं आपको ले चुका हूँ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है गाउस के नियम का, किसका होता है, गाउस के नियम का इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी मुझे बात करनी है तो उस पर अपन चलते हैं। तो गाउस के नियम पर बाकी तो ये सब चीज़ें हो रखी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गाउस का नियम। गाउस के नियम पे जाने से पहले, क्योंकि गाउस के नियम में हम एक वर्ड का यूज़ करेंगे और वह फ्लक्स, ठीक है। गाउस के नियम में जाने से पहले हम एक चीज़ का यूज़ करेंगे और वो क्या है, फ्लक्स, है ना। उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका मतलब क्या है ये समझिए सबसे पहले आप। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये हुआ कि नॉर्मली जब आप क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई से भी फील्ड की बात करते हैं, तो फील्ड की जब हम बात करते हैं तो हम एक चीज़ कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो फील्ड है वो किसकी वजह से है, जो चार्ज है वो एक दूसरे चार्ज पर अगर मान लीजिए क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो फोर्स लगा रहा है, तो अब देखिए नॉर्मली हम फोर्स लगाते हैं मैकेनिकल में, है ना। मैकेनिकली हम अगर फोर्स लगाते हैं तो मुझे उसको क्या होना, टच में आना पड़ेगा। लेकिन क्या एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाते हैं तो उसको टच में आने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन हो रहा है, अन्योन्य क्रियाएं जो हो रही है, वो अन्योन्य क्रियाएं किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से। जो फील्ड लाइन है वो आपस में क्या कर रही है, जो है आपस में इंट्रैक्ट कर रही है, उसकी वजह से वो क्या लग रहा है, वहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, आया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, तो ये फ्लक्स का मतलब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसे हम क्या कहते हैं, कहेंगे फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हो गया एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट, लेकिन मैथमेटिकली क्या होगा, तो मैथमेटिकली जब हम इसे निकालेंगे तो इसका मतलब है जो हमारा फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट एस। क्या होता है ई डॉट एस, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप किसी सरफेस, जो भी एरिया है जिस एरिया में आपको फ्लक्स निकालना है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या मिल जाएगा आपको, इस तरह से। और अगर मान लीजिए वो जो है फंक्शन हो किस एरिया जो है किसी का, तो हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। होना क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसका मतलब क्या है, क्लोज सरफेस, सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। दिमाग में बिठा लेना फ्लक्स, देखिए नेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पड़ता है, ठीक है, ट्वेल्थ के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पड़ता है, और बीएससी वाला एग्जाम होता है वहाँ से भी क्वेश्चन पड़ता है। आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन दे दो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फ्लक्स का कंसेप्ट है तो वहाँ से वो क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चन जो है वो एक डायग्राम बना के दिया जाता है कि एक पॉइंट यहाँ पड़ा, चार्ज यहाँ पड़ा है क्यों, और आपको बता दिया अलग अलग ज्योमेट्री की वो स्फीयर में पड़ा है, हाफ स्फीयर में पड़ा है, कहाँ पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। और ये डिफाइन कौन करता है, ये डिफाइन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि फ्लक्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फ्लक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो चार्ज है वो चार्ज क्या होना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए, यानी कि उसके चारों तरफ जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए, उसको कंप्लीटली क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो हम फ्लक्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। निकालते किसके, वेबर में निकालते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बन गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कर लो, अगर आपको फिक्स एरिया दे रखा है, एरिया खुद कोई फंक्शन है यानी कि स्मॉल एरिया लेके फिर आप उसको इंटीग्रल करना चाहते हो, ठीक है, तो उस तरह से हम इसको इस तरह से लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये, तो ये हमारे क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, ठीक है। ये तो हुआ, किसने दिया, ये तो इसकी फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन है, ये तो क्या है हमारी बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब जो गाउस का नियम है, गाउस ने एक नियम दिया था उसके ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। चलिए,
अब जो गाउस का नियम है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता ही मिलता है, किससे? वो से लो, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो और इसके एप्लीकेशन भी हम देखेंगे, तो एप्लीकेशन के पार्ट पे भी चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस पे देखते हैं, गाउस ने क्या किया था कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज है क्यू, वो किसी आर्बिट्रेरी, जो हमारा कैसा भी हो सकता है उससे कोई मतलब नहीं है, आर्बिट्रेरी कोई भी अगर कोई एक मान लीजिए सरफेस है जिससे वो बाउंडेड है, ठीक है, तो इस सरफेस, इस टोटल सरफेस से, है ना, इस टोटल सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, टोटल सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स पाई होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये किसकी बात है? जब हम या तो एयर में हो या फिर वैक्यूम में हो, उस मीडियम की बात कर रहे हैं कि जब अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, उस चार्ज के तौर पर हमने कोई भी आर्बिट्ररी सरफेस लिया है, उस सरफेस से जो टोटल निकलेगा फ्लक्स वो कितना निकलेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इस आर्बिट्ररी का मतलब क्या है, फिर से दिमाग में, आर्बिट्ररी का मतलब है फ्लक्स जो चार्ज है वो सिर्फ सराउंडेड होना चाहिए, ठीक है, ये मतलब नहीं है वो कैसे साउंडेड किया आपने, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर एक सरफेस दिया है तो हम सिमेट्री मान के उस चीज को करेंगे, ठीक है, वो बात की बात है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सरफेस चारों तरफ उसके स्फीयर हो सकता है, हर तरफ इसके बॉक्स रख के उसको सराउंडेड कर सकते हैं, उसको किसी एक सिलेंडर से सराउंडेड कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमारी सिचुएशन क्या होगी, हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा होगा, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। तो ये मेरे पास किसकी इक्वेशन है, ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है, ये है मेरे पास फाई की इक्वेशन। हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं फाई को, एक हमने पहले पिछला पढ़ा था, अब चलते हैं फाई की डेफिनेशन से। तो फाई क्या कहता है, फाई कहता है ये होता है ई डॉट डी एस के इक्वल होता है, किसके होता है, ई डॉट डी एस, कौन सा, क्लोज इंटीग्रल होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रल कौन सा है, सरफेस इंटीग्रल। तो आप जब इसको एक साथ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हाँ, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं इसके अंदर, अभी इंटीग्रल फॉर्म नहीं, अभी क्या है कि मान लीजिए ये जो चार्ज है, ये चार्ज इसमें कंप्लीटली क्या है, ये जो चार्ज है इस बॉडी के अंदर, 3D में कोई बॉडी है उसके अंदर कंप्लीटली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा, यहाँ से मैं अगर रो निकालूंगा तो रो क्या हो जाएगा मेरे पास, रो जाएगा क्यू अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, रो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वॉल्यूम। तो इस क्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्यू को डिनोट अलग तरह से इसको कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि क्यू इक्वल टू हो जाएगा, या मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, छोटा सा चार्ज लेता हूँ, है ना, डी क्यू लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी, है ना। मान लीजिए मैंने इतना सा एक इसका पार्ट लिया जिसका वॉल्यूम कितना है वी, और ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्यू डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू डी वी, ठीक है, क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी। तो इस क्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इंटीग्रल फॉर्म में करके इसको सोल्व कर सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, तो अच्छा तो क्यू क्या हो जाएगा मेरा, क्यू हो जाएगा इंटीग्रल डी क्यू, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल रो डी वी, ठीक है। तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि रो डी वी वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, ये है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस इक्वेशन, है ना, या गाउस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपके बहुत यूज आने वाला है, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत यूज आने वाला है, और ये वाला फॉर्मूला भी बहुत यूज आने वाला है। जब आपको पॉइंट चार्ज दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होगा किसी के लिए, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आपको पॉइंट चार्ज देके, समझ लेना मैं बतवा रहा हूँ जो चीज, जब हमें पॉइंट चार्ज देके और फ्लक्स पूछा होगा तो हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। जब हमें, अच्छा इसको दो नंबर दे दीजिए और इसको तीन दे देते हैं, जब हमें पॉइंट चार्ज देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होगा तो हम ये याद करेंगे, ठीक है। और जब हमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी या कोई सी भी चार्ज डेंसिटी है, अगर चार्ज डेंसिटी दे रखा है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले को यूज करना पड़ेगा। देखो सब नॉर्मली देख लीजिए, फ्लक्स पूछा है और चार्ज कौन सा है, पॉइंट चार्ज है, तो क्या करेंगे, देखिए फ्लक्स भी है पॉइंट चार्ज है तो ये वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है पॉइंट चार्ज है तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है और चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला, आगे समझ में। तो ये कुल मिला के आपके फॉर्मूले इस तरह से हो गए। अगला, अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, तो देखिए गाउस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से जो है इस सरफेस इंटीग्रल को किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, इस सरफेस इंटीग्रल को जो है मैं किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखिए यहाँ से ये जो सरफेस इंटीग्रल है
गाउस के नियम। अब देखिए, मैं जो आपको कह रहा था कि मैं अब ये सारे की सारी थ्योरम्स और जो मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपको सब पढ़ाए थे, ठीक है, दो वीडियो लेक्चर, उनका भी यूज होना स्टार्ट हो रहा धीरे धीरे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में करना है। तो गाउस जो अपना थ्योरम था उसका, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा है ना, चलिए मैं पहले लिख देता हूँ थ्योरम। क्लोज सरफेस के लिए आप क्या करते हैं, इंटीग्रल करते हैं, कौन सा, सरफेस इंटीग्रल करते हैं, ठीक है। इसको मैं डी ए की जगह यहाँ पे ऐसे करता हूँ क्योंकि मैंने एस में लिया है, इक्वल टू, अगर आप ये करते हैं है ना, तो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस ए और वॉल्यूम इंटीग्रल के, किसके बराबर हो जाएगा, डाइवर्जेंस ए और वॉल्यूम इंटीग्रल के। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, तो चेंज करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से ये मिल जाएगा कि वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई डी वी इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल, ये हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इनको, ये दोनों इक्वल है तो कब इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो जीरो, डी वी तो जीरो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, ये पूरा मिला के जीरो, तो कुल मिला के क्या हो सकता है यहाँ से, कि डाइवर्जेंस ई जो होगा मेरा वो किसके बराबर हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा चौथा फॉर्म, ये हमारा क्या है, चौथा फॉर्म। ये कब यूज करेंगे, लिख लेना सारी चीज, ये कब यूज करेंगे, ये तब यूज करेंगे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देख के और रो पूछा गया हो, ध्यान रखना क्या पूछा गया हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखे और क्या पूछ लिया हो, डेंसिटी, यानी कि आपको चार्ज डेंसिटी पूछा गया, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। देखो यहाँ से चार फॉर्मूला आ गया और किस किस कंडीशन में कौन सा करेंगे, क्योंकि ये समझ में आ गया ना कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो कभी आगे आपको समस्या आने वाली नहीं है। पहला क्यू दिया है, फाइव पूछा है, ये फॉर्मूला कर दिया, उसके बाद में ई पूछा है, क्यू दिया है, तो ये वाला कर दिया, रो दिया है और ई पूछा, तो ये वाला फॉर्मूला कर दिया, ठीक है, ई देके रो पूछा, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस इक्वेशन, इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस इक्वेशन जो है ये हमारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूँ, मैं पहले वाले से स्टार्ट करूंगा, पहले इस पे चलेंगे, फिर इस पे चलेंगे, फिर इस पे चलेंगे, और फिर लास्ट में उस पे चलेंगे, चारों जो है हमारे। अब मैं आपको क्वेश्चन भरमार कराने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब जो है हम क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा उसमें रहता है ना, आता रहता है। तो देखिए कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉक्स है ना, ये आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के सेंटर में क्या पड़ा है, चार्ज क्यू पड़ा है, और इसमें से पूछा है कि इस पूरे बॉक्स में, जब मैं आपको सारा एक साथ ही करा दूंगा ना, मेरा पहला होगा ए कि इस पूरे बॉक्स में से कितना फ्लक्स निकल रहा है ना, इस पूरे बॉक्स में से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स बाय होल बॉक्स, ठीक है, या ड्यू टू होल बॉक्स है ना, चलिए फ्लक्स बाय होल बॉक्स ऐसे लिख दें नॉर्मली, ठीक है। तो पूरे फ्लक्स की इसकी वजह से कितना होगा, तो वो जो फाइव होगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों, गॉस का नियम क्या कह रहा है कि अगर कोई चार्ज है उसको आपने एनक्लोज कर रखा है किसी एरिया से, अगर आपने क्या कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है किसी एरिया से, तो उस पूरे एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये, तो पूरे एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, ये। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि ये यहीं पड़ा हुआ सेंटर में, ठीक है, कहाँ पड़ा हुआ है, सेंटर में पड़ा हुआ है ये इस तरह से, और पूछा क्या है कि इस सिर्फ एक जो आपकी फ्लक्स है, ये एक फेस है, इस सिंगल फेस से कितना निकल रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स ड्यू टू सिंगल फेस, ठीक है, कि इस एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना है। अब आप देखिए इस पूरे में से कितना निकल रहा है, पूरे में से निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस एक में से कितना निकलेगा, देखिए फ्लक्स का मतलब क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, तो फील्ड लाइन जब यहां से निकलेगी तो क्या होंगे, छह भागों में बढ़ जाएंगे, कुछ एक बटा छह इधर से जाएंगे, 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 एक बटा सामने से निकलेगा, एक बटा छह कितना होगा, उससे निकलेगा, क्योंकि ये एरिया जो है इस पूरे एरिया में से कितनी निकल रही थी, पूरे एरिया में से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रही थी। तो ये एरिया कितना है, अब एक फेस का एरिया कितना, एक फेस का जो एरिया है वो है आपका इस पूरे एरिया का
कौन सा 1/6 पार्ट, तो इसका मतलब फ्लक्स भी कितना निकलेगा इसमें से 1/6 पार्ट फ्लक्स निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थर्ड केस, थर्ड जो केस है, थर्ड केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये अगर मान लीजिए ये इस तरह से ये कंडीशन दे देते हैं आपको, और चार्ज कहाँ पड़ा है, चार्ज मान लीजिए इस कोने पे पड़ा है, कहाँ पड़ा है इस कोने पे पड़ा है चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा जब चार्ज इस कोने पे पड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी क्या वो एनक्लोज्ड है क्या, अगर मान लीजिए मैं इस डस्टर की बात करता हूँ तो चार्ज कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, तो चार्ज क्या इस एरिया से एनक्लोज है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसको आपको एनक्लोज करना है, और किस तरह से करना है, जो क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में सिर्फ चार्ज दे रखा होता है और कोई एरिया नहीं दे रखा होता तो अपन अपनी मर्जी से मान सकते थे, लेकिन चार्ज इसमें क्या है, हमें एक दे दिया है, तो अब मान लीजिए मुझे चार्ज को एनक्लोज करना है, इस तरह की सिमेट्री लेनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां सामने एक डस्टर रखूंगा, ठीक है, यही डस्टर घुमा के यहां रख दिया, ये सामने डस्टर रखा, फिर इसके नीचे डस्टर रखूंगा, फिर इसके यहाँ डस्टर रखूंगा, तो ऐसे करते करते मुझे क्या करनी पड़ेगी, इस आठ डस्टर को जब मैं ऐसे रखूंगा तो जाके क्या मिलेगा मुझे, भाई देखिए एक डस्टर यहाँ रखूंगा, ठीक है, फिर एक डस्टर इसके सामने रखूंगा, एक यहाँ रखूंगा, एक फिर इसके नीचे रखूंगा, फिर एक इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, तो कुल मिला के जब मैं आठ डस्टर रखूंगा, क्योंकि देखिए जब भी आप बॉक्स को ऐसे जमाते हैं, है ना, बॉक्स को अगर एक के ऊपर जमाते हैं, इधर भी जमाते हैं, बॉक्स जमे हुए हैं, तो अगर आप बॉक्स का एक बीच वाले बॉक्स का कोना लेते हैं तो उस कोने पे कितने, उस एक कोने पे कितने बॉक्स आते हैं, आठ बॉक्स आते हैं, ठीक है, इस एक कोने पे कितना आते हैं, आठ बॉक्स आते हैं, तो इसका मतलब इस चार्ज में से, है ना, इस चार्ज में से जो निकलने वाला, या कह सकते हैं कि ये चार्ज जो है, ये इसकी जो फील्ड लाइन है वो कितने बॉक्स से निकलेगी, आठ बॉक्स से निकलेगी, ठीक है, तो इस एक बॉक्स से कितना निकलेगा फ्लक्स, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू दिस बॉक्स कितना निकलेगा, इस पूरे बॉक्स से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, वो हो जाएगा 5/1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि आठ बॉक्स इस कोने पे आ रहे हैं। अब इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन बना देता हूँ, क्या कोना, तो अब जो नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ से, अच्छा ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको बना देता हूँ, अगर आप उसको नहीं विजुलाइज कर पा रहे हो तो मैं इसको बना देता हूँ एक बार, ठीक है, तो ये इस तरह से था हमारा, ये ठीक है, अगर इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो मैं एक बार बना देता हूँ पूरा डायग्राम, क्योंकि मुझे आगे भी इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो कुछ इस तरह का होगा ये, दिख रहे हैं आठ बॉक्स अब आपको, अच्छा अभी नहीं दिख रहे क्योंकि अभी हमें इसके बीच में से एक और ये इस तरह से तोड़ना पड़ेगा, अब दिख रहे हैं, ठीक है, आठ बॉक्स दिख रहे हैं, ये देखो पहला बॉक्स तो आगे है, एक बॉक्स के पीछे दो, फिर ये साइड में है, फिर ये इसके पीछे है, ठीक है, चार, फिर ये आगे वाला तो एक पीछे वाला, छः, ये एक आगे वाला, देखिए इसके पीछे वाला, कितने का आठ, यानी कि इस एक सेंटर की बात मैं अगर करूँ, है ना, इस एक की अगर मैं बात करूँ, इस तरह से इसको मिला देता हूँ, है ना, तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट पे कितने बॉक्स मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे आठ बॉक्स के कोने मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था पहले वाला कि ये बॉक्स है, इसके कोने पे क्या पड़ा, सॉरी चार्ज पड़ा, तो ये चार्ज पड़ा था, ठीक है, अब इसको ढकने के लिए मुझे ढकना कैसे, सिमेट्रिकली ढकना है, तो सिमेट्रिकली ढकने के लिए इसके पीछे बॉक्स रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, नीचे रखूंगा, इधर साइड में पीछे, और ऐसे करते करते मुझे आठ बॉक्स रखूंगा, तब जाके सिमेट्रिकली क्या हुआ, ढका, यानी कि इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे इस तरह से ढकना पड़ा, ठीक है, तो एक बॉक्स से कितना निकल रहा था, सॉरी इस पूरे बॉक्स से, है ना, अब क्योंकि कंप्लीटली ढका हुआ है तो इस पूरे की वजह से कितना निकलेगा, इसकी वजह से जो फाइन निकलेगा वो निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो इस एक बॉक्स की वजह से कितना निकलेगा, तो कितने बॉक्स है, आठ, आठ बॉक्स है, तो इसका मतलब है 1/8 क्या हो जाएगा, एक बॉक्स से निकलेगा, तो ये हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, अब अगला देखिए,
अगला जो क्वेश्चन है आपको सपोज कर लीजिए उस इस तरह की सिमेट्री दे दे, ये है ना, चार्ज कहाँ पड़ा है, यही पड़ा है। अब आपसे पूछ लिया कि इस बॉक्स में से कितना एक फ्लक्स में से कितना निकला, इस एक फेज में से कितना निकल रहा है, तो इस फेज में से कितना निकल रहा है, तो फिर से आप क्या करोगे, पहले सिमेट्रिक बनाओगे। अब सिमेट्रिक बनाने के मतलब ये सिमेट्रिक कौन सी हुई, यानी कि ये वाली हुई, नहीं हुई, ठीक है। तो एक फ्लक्स में से सबसे पहले इस पूरी फ्लक्स में से कितना निकलेगा, 1/6 अभी निकला था, पूरी फ्लक्स में से कितना निकलता है जब सेंटर में हो तो 1/6 निकलता है। पूरी फ्लक्स में से जब 1/6 निकलता है इस बड़े वाले बॉक्स की, तो अब इसमें से पूरे में से कितना निकला, 1/6, तो इसके कितने पार्ट है, चार पार्ट है, तो इसका मतलब इसमें कितना निकलेगा, इसमें जो फाइ निकलेगा वो होगा 1/4 इंटू 1/6 इंटू क्यू बाई ये, तो कुल मिला के कितना हुआ, क्यू अपॉन 24 है ना। तो ये मेरे पास क्या होगा, आंसर होगा, आया समझ में, बड़ा सिंपल सा है, सिमेट्रिक बनाया, इस एक में से पूछा था, तो एक में से पूछा इसका मतलब पहले तो पूरे बॉक्स में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर पूरे बॉक्स में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस पूरी बड़ी वाली फलक फेस है उसमें से कितना निकलेगा, 1/6 उसका, फिर इसके चार पार्ट है इसमें से कितना निकलेगा, 1/4 इसका, तो ये आप आंसर क्या हो गया आपके पास ये, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो नेट में पूछा भी गया था, ये वाला क्वेश्चन जो है वो नेट में पूछा गया है। अब आप सोचिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में क्या रखना था, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एनक्लोज, वो एनक्लोज होना चाहिए और वो सिमेट्रिकली एनक्लोज होना चाहिए, ठीक है। एक नेट में क्वेश्चन और आया था जो मैं आपके सामने यहाँ लेता हूँ, है ना, अभी हम आज इसी पे करने वाले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि ये था इस तरह से, जो भी नंबर आप लगा लेना, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये है, यहाँ चार्ज कितना पड़ा है, क्यू पड़ा है, ठीक है। यहाँ इन्होंने क्या किया, एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए कहा कि हाइट कितनी है, एच है, अब आप बताइए कि इस इसमें से ऊपर की ओर निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, ऊपर की ओर निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो आप क्या करोगे, अब भाई सिंपल सी बात है, ये सिमेट्री दे रखी, तो आप क्या करोगे, यहाँ इस तरह से एक और क्या बना लोगे, कोण बना लोगे। अब ऊपर के कोण से कितना निकल रहा है, इस पूरे के पूरे कोण से कितना निकल रहा है, पूरे कोण से, है ना, इस मतलब दोनों मिला के, दोनों कोण से कितना निकल रहा है, दोनों कोण से इसमें निकल रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, ठीक है, इसको क्यू बोल ये बोल देते हैं, ठीक है। अब सिंगल की वजह से कितना निकलेगा, इस सिंगल कोण की वजह से, जिसको मैं क्यू वन कह देता हूँ, यहाँ से निकलने वाला कितना है, क्यू वन सॉरी फाइव वन कह देता हूँ, तो फाइव वन कितना हो जाएगा, फाइव वन जो होगा फाइव का 1/2, क्या होगा, फाइव का 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नेट में 3.5 नंबर का क्वेश्चन आया था, करीब करीब आज से 4-5 साल पहले की बात होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, और इसमें सब लोग उसमें एच को यूज करके एक ऑप्शन दे रखा था, एक उसमें और भी थीटा वीटा को यूज करके दे रखा था, और सब लोग उसके ऑप्शन में मतलब करते रहे। सिंपल सा कंसेप्ट क्या था, बस ये वाला कंसेप्ट हमें वहाँ पे अप्लाई करना था कि पूरे इस सिमेट्री की वजह से कितना निकल रहा है, दोनों की वजह से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस एक की वजह से कितना निकलेगा, कि ये निकल जाएगा, ठीक है। और भी देख लेते हैं, और जैसे तो टोटल मिला के मान लीजिए कुछ ऐसा आपको दे दिया कि ये स्फीयर है, है ना, स्फीयर में यहाँ चार्ज क्यू पड़ा है, तो इस पूरे स्फीयर से कितना निकलेगा, पूरे स्फीयर से निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको क्या कर दिया, इसी को हाफ स्फीयर कर दिया, हाफ स्फीयर का मतलब ये इस तरह से कर दिया, काट दिया इसको, है ना, पड़ा कहाँ, वही सेंटर पे पड़ा चार्ज, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपको इसको चार्ज बनाने के लिए, ये पहला हो गया फर्स्ट पार्ट, ये स्फीयर के लिए सेकंड पार्ट, हम अलग अलग सिमेट्री ले रहे हैं बहुत सारे, इसको पहले तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आधा स्फीयर यहाँ लगाना पड़ेगा, जब आधा स्फीयर लगाओगे तो कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस आधे वाले से हेमी स्फीयर से कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा फाइ इक्वल टू 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका होगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, बात हो गया। थर्ड केस जो आपके शायद बोर्ड की बुक में मिलेगा कि ये जो स्फीयर है हेमी स्फीयर वो कहाँ पड़ा है, चार्ज वो यहाँ पड़ा है, ठीक है, चार्ज कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, अब पूछा ही कितना निकलेगा, तो आप दिमाग में रखना, क्या दिमाग में रखना, कि अगर चार्ज क्लोज सरफेस में नहीं है तो फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। चार्ज खुद अगर क्लोज सरफेस में है तो उससे निकलने वाले की बात कर रहे हैं, तो ये सरफेस कहाँ पड़ा है, यहाँ, चार्ज कहाँ पड़ा है, यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ से निकलने वाला, इसमें से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, कि मान लीजिए इसमें से फील्ड लाइन निकल भी जाए चार्ज में से,
फील्ड लाइन निकलेगी मान लो ऐसे, तो जितनी फील्ड लाइन अंदर आ रही है उतनी क्या हो रही है, जितनी इन हो रही है उतनी क्या हो रही है इससे आउट हो रही है, तो कुल मिला के फ्लक्स कितना हुआ, कुल मिला के फ्लक्स हुआ इसका जीरो। ठीक है, या दूसरा कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं कि अगर जो आपको सरफेस पूछा है उस सरफेस के आउटसाइड में चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या लिखा था कि वो चार्ज जो एनक्लोज्ड है किससे, उस सरफेस से एनक्लोज्ड है उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया था, तो वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और कुछ और भी बहुत सारी चीज समस्याएं हो सकती है जो आपके सामने, बस आपको क्या रखना है, एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा चार्ज है वो एनक्लोज होना चाहिए, और क्वेश्चन में जिस तरह का हमें सिमेट्री दे रखी है उसी सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, क्योंकि आंसर उसके लिए निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। सिलेंडर का लेना चाहेंगे क्या, ले लीजिए, चलिए एक और बना देता हूँ मैं आपके लिए, सिलेंडर होगा। ठीक है, तो सिलेंडर में क्या होगा कि मान लीजिए ये सिलेंडर है इस तरह से, ठीक है, चार्ज कहाँ पड़ा है, यहाँ इस पूरे सिलेंडर से पूछ लिया कितना निकलेगा, क्या पूछा, पूरे सिलेंडर से, तो कितना हो जाएगा, पूरे सिलेंडर से वही फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही चार्ज मान लीजिए यहाँ पड़ा होता, अगले केस में कहाँ पड़ा है, अब चार्ज यहाँ पड़ा है, तो यहाँ पड़ा इसका मतलब इसको क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, पहले ऐसे एक और सिलेंडर यहाँ सेम साइज का रखोगे। ठीक है, तो अब सेम साइज का रखेंगे तो कंप्लीटली क्लोज हो गया, अब क्लोज हो गया तो इससे कितना निकलेगा, तो इससे फाइव निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई टू, क्योंकि आधा इधर से निकल रहा है, आधा किससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है, तो हो गया क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, हो गया ना, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको दिमाग में क्या रखना है, एनक्लोज करना है, सिमेट्रिक करना है, क्वेश्चन में जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है ये हमारा गाउस के नियम का पहला जो है ना, गाउस के नियम के मैंने चार आपको टॉपिक बताया था ना, चार मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले टाइप के क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और दिया भी जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, सिमेट्री, क्या ध्यान रखनी है, सिमेट्री हमें दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब हम गाउस के नियम का यूज करके और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि सेकंड वाले जो नियम है उसके हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम किस पे चलेंगे, अब हम चलेंगे इस वाले पे कि E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाले पे। ठीक है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस वाले फॉर्मूले पे अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आप लीजिए नंबर वन, जो चार्ज है आपका मान लीजिए q चार्ज है, वो चार्ज क्या हो रहा है, किसी नॉन कंडक्टिंग या फिर इंसुलेटेड जो आपकी एक सीट है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस पे है, इंसुलेटेड सीट। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, अच्छा यहां लिख देता हूं पूरा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंसुलेटेड सीट, यानी कि अगर कोई इंसुलेटेड सीट है उस सीट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कैसे इसको सोल्व करें। ठीक है, तो चलिए यहां स्टार्ट करते हैं कि आपके पास देखिए दिमाग में रखना कि इंसुलेटेड लिखा है तो इसका मतलब क्या है और कंडक्टर लिखा तो उसका मतलब क्या। अब मैं आपके यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, कंडक्टर की इंसुलेटर की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं, समझिए कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ होगा, कंडक्टर को चार्ज देने का मतलब है कि क्योंकि उसमें फ्री जो है ऑलरेडी चार्ज है। ठीक है, तो जब आप उसको चार्ज देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो चार्ज होगा वो क्या कहाँ होगा, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, इनसाइड में नहीं होगा, जबकि इंसुलेटेड में देंगे तो क्या होगा, वो पूरे का पूरा उसमें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो हम इंसुलेटेड क्या ले रहे हैं, सीट ले रहे हैं जो यूनिफॉर्मली है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज लिख दीजिए इस पर, यूनिफॉर्मली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंसुलेटेड सीट। उसके लिए क्या होगा, तो आप देखिए ये हमारे पास सपोज कर लीजिए ऐसी कोई सीट है, है ना, इस पे चार्ज क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह से चार्ज आपके पास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि मुझे क्या करना है, अब ये इनफाइनाइट है मान लीजिए, है ना, इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब मुझे क्या करूँ, मैं ये करता हूँ कि इसके लिए मुझे एक गाउसियन सरफेस बनाना है, तो गाउसियन सरफेस क्या होगा, इसके इस तरफ वाले को बनाने के लिए मुझे एक गाउसियन सरफेस लेना पड़ेगा, कैसा होगा, वो एक सिलेंडर होगा जो क्या करेगा इसको, है ना, एक छोटा सा सरफेस मैंने इसके लिए, तो क्या किया मैंने सिलेंड्रिकल पोर्शन लिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका एक S1 इधर है, S2 इधर होगा और S3 किधर होगा, इस तरफ होगा S3 हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि इंसुलेटेड है तो ये क्या इनसाइड है, ठीक है, ये कौन सा है, ये मेरा इनसाइड में है, ये आउटसाइड वाला चार्ज है और ये इसके क्या है, सरफेस जो हमारा सिलेंडर है उसके सरफेस का चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ कोई एक यहाँ मान लीजिए ये सीट थी, है ना, जो भी है प्लस है, और यहाँ अगर मान लीजिए मैं कोई चार्ज ले रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा इसका,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन होगी, मान लीजिए यहाँ लूंगा तो ये, और यहाँ से अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन देता हूँ तो ये डायरेक्शन होगी, यहाँ से फिर आगे इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, तो कुल मिला के क्या होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, मान लीजिए ये E1 है, ये मान लीजिए E2 है, E1 E2 दोनों क्या होंगे बराबर, ये cos थीटा वाला क्या होगा, E2cos थीटा, ये दोनों क्या होंगे एड हो जाएंगे, और E1 sin थीटा, और यहाँ पे भी जो आपका E1 E2 sin थीटा, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कुल मिला के इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि उसको क्या कह सकता हूँ, नॉर्मल डायरेक्शन कह सकता हूँ, वो मेरी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। पहली बात तो ठीक है, चलिए ये आपको पता ही होता है क्योंकि सीट की वजह से डायरेक्शन होती है कौन सी होती है, परपेंडिकुलर ही होती है नॉर्मली। ठीक है, अब मैंने ये चीज ली तो यहाँ से क्या लगाना है, मुझे गॉस का नियम लगाना है। अब क्लोज सरफेस करने के लिए कितने सरफेस चाहिए, एक दो और तीन सरफेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे इंटीग्रल में, इंटीग्रल करेंगे ई वन डॉट, हाँ ई तो सब में कॉमन है, तो ई ठीक है डॉट डी एस वन ठीक है पहला, प्लस ई डॉट डी एस टू प्लस ई डॉट एस थ्री इक्वल टू क्यू अपॉन एफ एन नॉट, टोटल कितना है क्यू अपॉन एफ एन नॉट है। यहां से देखिए ई किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ई इधर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है E इधर किस डायरेक्शन में है, तो E इधर जो होगा अंदर की साइड तरफ है ना, तो E डायरेक्शन कौन सी होगी, ये भी ये डायरेक्शन होगी इसकी। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से देखिए कि E की डायरेक्शन हमारे पास सारी आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ये देखना है कि E सारा बराबर होगा, तो ये जो एंगल बन रहा है इसमें ये कितना बन रहा है 90 डिग्री, कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर मान लीजिए दो वेक्टर है A और B, वो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, बीच का एंगल कितना है 90, तो क्या लिखते हो ए बी कोस थीटा, ठीक है cos 90 कितना होता है जीरो, परपेंडिकुलर होता है क्या होता है जीरो, तो कुल मिला के दो वाला जो है ये कितना हो जाएगा जीरो, ये कितना बचेगा दोनों का, ये एरिया मान लीजिए कितना है इसका, एरिया जो है ds वो कितना है a है शीट का, मान लीजिए जब एरिया a है तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e a ठीक है प्लस e a, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम किस में कर देंगे, इसमें कर देंगे टोटल, और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा e अपॉन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और a, ठीक है। अब जो है मेरे पास q अपॉन a को मैं क्या ले सकता हूँ सिग्मा से, क्योंकि चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जो इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, थिन है हमारे पास ना ये वाली, तो कुल मिला के क्या हो गया q अपॉन a इक्वल टू सिग्मा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कितना आ जाएगा e इक्वल टू q सिग्मा अपॉन e इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी वजह से है, और डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन ध्यान रखना, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, एन कैप डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन होगी एन कैप, एन कैप का मतलब है जहां सीट पड़ी है, सीट पर चार्ज है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो जब इंसुलेटेड है तो कितना हो जाएगा, इंसुलेटेड है तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मेरे पास इंसुलेटेड का आ जाएगा। अब इसी के अंदर ठीक है लिख लिया होगा आपने, बड़ा सिंपल सा है, इसी के अंदर मान लीजिए मैं इंसुलेटेड की जगह क्या लिख दूँ, कंडक्टिंग लिख देता हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे है, कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो इनसाइड वाला है, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जब आप कंडक्टिंग फील्ड लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टिंग का मतलब है कि जो दोनों तरफ की जो सीटें हैं, ध्यान रखना कंडक्टिंग का मतलब क्या है, कंडक्टिंग का मतलब है कि जब आप सीट को लगा रहे हैं तो इसकी जो अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, क्योंकि अंदर कुछ होता ही नहीं है सीट, सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सारा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो किस पे होता है, ऊपर वाले सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसका मतलब इनसाइड कितना हुआ जीरो, तो इनसाइड जीरो होने का मतलब क्या होगा, जब कंडक्टिंग लेंगे तो यहाँ से एक चीज और निकल जाएगी कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनसाइड वाला ये कितना है जीरो, ये इनसाइड वाला ना इसको इन कर देता हूँ, ठीक है इसको मैं दोनों को आउट लिख देता हूँ, ठीक है तो इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहाँ लिख देते हैं कंडक्टिंग के लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया यहाँ पे जीरो, तो सीधा सीधा यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन ये, यहाँ से करेंगे तो ये टू हट जाएगा और यहाँ से ये टू हट जाएगा, तो जब कंडक्टिंग अपने पास वो है क्या बोलते हैं सीट, तो कंडक्टिंग सीट के लिए कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए आएगा कंडक्टिंग सीट के लिए आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम, ठीक है तो अभी ये कर लीजिए आप, मैं एक बार टाइम का देख लेता हूँ। चलिए तो अब जो है इसी के अंदर यूज करके हम किस पे आ जाते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री के लिए आ जाते हैं, किसके लिए स्फेरिकल अगर सिमेट्री है उसके लिए क्या हमारा
केस बनेंगे उस, है ना। चलिए तो मैं भी मिटा रहा हूँ क्योंकि चलेंगे हम इसी पे। ये हमारे सीट के लिए हो गया, पहले स्फेरिकल सिमेट्री में चलेंगे और फिर सिलेंड्रिकल सिमेट्री में, क्योंकि अब मैं जो है आपको पहले ही बताया था कि वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे यूज आने वाली है। चलिए तो हम आते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। क्या है हमारे पास? स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या है? अब हम स्फेयर स्फेयर लेने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। इसमें पहला है हमारा केस नंबर फर्स्ट, यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फेयर, चार्ज स्फेरिकल सेल ले लेते हैं पहले, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। कि अगर मान लीजिए कोई स्फेरिकल सेल है तो उसके लिए क्या कंडीशन हमारी बनेगी, है ना। तो स्फेरिकल सेल के लिए, तो स्फेरिकल सेल कैसी होगी? ये हमारी स्फेरिकल एक सेल हो गई, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? आर रेडियस है। अब आपको क्या करना है इस आर रेडियस स्फेरिकल सेल की, ठीक है। तो तीन पॉइंट हो सकते हैं। पहला ये कि आपको कहाँ चाहिए, ये जो पॉइंट है आपका पी, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। चार्ज कैसे दिया हमने? चार्ज इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया इस तरह से, क्योंकि स्फेरिकल सेल है, इसका मतलब कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज? चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो इसके क्या होगा? सरफेस पे होगा, क्योंकि सेल है इसका मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्फेरिकल सेल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कितना है? क्यू है इसके ऊपर, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है? जो ये वाला पॉइंट है आपका, जब आप क्या करते हो इसके सरफेस पे हो। तीसरा कौन सा पॉइंट है? जब आप क्या हो इसके इनसाइड हो। तो इन तीनों केस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसे मैं क्या कहूंगा? ई आउट। ये क्या होगा? ई सरफेस। और ये क्या होगा मेरा? ई इनसाइड, ठीक है। तीनों मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आइए पहले केस के लिए चलें, ठीक है। जब आप उस पॉइंट के ऊपर है ना, जब उस पॉइंट के ऊपर है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो है फॉर्मूला क्या होगा कि आपको चार्ज कौन सा दे रखा है? क्यू दे रखा है। तो क्यू चार्ज दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है एनक्लोज कर दीजिए आप, E आउट ले रहे हैं, हाँ, तो E आउट हो जाएगा, ठीक है। एरिया लेना है, कौन सा एरिया लेना है वो भी बात करते हैं। चलिए मैं इसको A से लिख देता हूँ ताकि आपको, या सरफेस लिखूँ, S लिया तो A से ले लेते हैं, चलिए बार बार कंफ्यूज नहीं करते हैं, S ले लेते हैं। इक्वल टू किसके होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होगा, ठीक है। आ गया, नेक्स्ट चलिए। अब क्या होगा? मुझे E आउट फाइंड आउट करना है, तो ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो Q मेरा ऑलरेडी है, एप्सिलॉन मेरे पास पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ क्या इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। तो इंटीग्रल सोल्व करना है, इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे गाउसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या लिया? गाउसियन सरफेस ले लिया, जो क्या करेगा? सिमेट्रिकली है। अब इस गाउसियन सरफेस को मैंने ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी कि इस एरिया का, ठीक है, इस एरिया का इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है? आर केप डायरेक्शन। क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल आर है, ठीक है। जब ये आर स्मॉल आर डिस्टेंस है सेंटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस आर के एफ की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट। तो हमेशा दिमाग में रखना, जब भी ऐसे कोई इंटीग्रल मिले जिसमें डॉट प्रोडक्ट हो, तो ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ रहती है? यानी कि थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, यानी कि उस डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में क्या हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, उसी में हमें क्या लेना है? तो यहाँ से देखिए, इस गाउसियन सरफेस पे मुझे क्या लेना है? इस गाउसियन सरफेस पे मुझे लेना है एरिया, ठीक है। कौन सा? जो आर के एफ की डायरेक्शन में हो। अब दिमाग में रखना, अब जो हम वहाँ चल रहे हैं कि आर के एफ की डायरेक्शन में एरिया क्या होगा, तो आर के एफ की डायरेक्शन में ये तो हो गया ई आउट मेरा सिंपली, ठीक है। एरिया कौन सा लेना है? आर के एफ की डायरेक्शन वाला। तो उसके अंदर आर के एफ की जब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो क्या मिलता है अपने को? आर थीटा एंड फाई मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? आर थीटा एंड फाई, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में जाना है तो क्या हो जाएगा? डी आर में जाऊंगा तो ये दोनों का लेना है, तो क्या हो जाएगा? वो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर के एफ है कि नहीं है? याद है क्या? मैंने कहा ना मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, याद है? ये नहीं है तो कर लीजिए। ये क्या है? इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेके इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? E आउट इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव। करिए इसको सोल्व, क्या आता है? इसको सोल्व करेंगे, आर के सरफेस में इंटीग्रल हो रहा है, नहीं हो रहा तो आर चला जाएगा किधर? बाहर, तो ये बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ इंटीग्रल को तोड़ेंगे तो किस में टूट जाएगा? ये तो हो जाएगा ई आउट आर स्क्वायर इंटीग्रल होगा साइन थीटा डी थीटा, किसके रेस्पेक्ट में?
कितना होता है इसकी वैल्यू, टोटल टोटल एरिया लेना ना अपने को, तो जीरो से पाई इंटीग्रल, ये कितना होगा डी फाई, जीरो से टू पाई, ठीक है कर दीजिए इंटीग्रल, तो ई आउट आर स्क्वायर, ये क्या बनेगा साइन का माइनस कोस, ठीक है इंटीग्रल क्या बनेगा साइन का माइनस कोस, जीरो से पाई, ये कितना बनेगा सीधा सीधा फाई, जीरो से टू पाई, इसको मैं बाद में लिखता रहूँगा है ना, जीरो से टू पाई, ये वही चल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर आगे क्या बन गया ई आउट आर स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे माइनस है तो इसको लिमिट चेंज कर सकते हैं, तो कोस जीरो पहले आ गया और कोस पाई बाद में आ गया, ठीक है तो कोस जीरो माइनस कोस पाई, क्यों लिखा क्योंकि लिमिट चेंज कर दी मैंने नेगेटिव इसलिए, और ये कितना है टू पाई, इसके लिए रखेंगे तो वन और वन, वन और माइनस वन, तो कितना हो गया टू, तो कुल मिला के कितना आ गया ई आउट आर स्क्वायर फोर पाई, ठीक है इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आती है, इसकी आती है फोर पाई, करके दिखा दी मैंने यहाँ पे। अब मैं आगे जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा इसको डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है एक बार मैंने सोल्व कर दिया है और आपको याद भी रखना है ये कितना आता है फोर पाई आती है इसकी वैल्यू, ठीक है तो कुल मिला के ई आउट कितना हो गया, जो ई आउट है मेरा वो हो जाएगा क्यू अपॉन वन, क्यू अपॉन है ना फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है डायरेक्शन कौन सी लिखूंगा, अगर मुझे इसको डायरेक्शन में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो जाएगा डायरेक्शन क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और आर के, ये मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है कोई समस्या। ठीक है ना हो गया यहां तक, ये इंटीग्रल आया काम में एरिया वाला, देखिए क्यों लिया क्योंकि आर के एफ है, तो ये दिमाग में रखना कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, जब भी डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो तो यहां जो जो भी ये क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन कौन सी है उसी डायरेक्शन में हमें इसको लेना जब डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो, और नॉर्मली हम डॉट प्रोडक्ट वाले देखेंगे, ठीक है तो इसलिए हमने कौन सा लिया आर के डायरेक्शन लिया, आर के डायरेक्शन में क्या हो गया ये हमारा सोल्यूशन आ गया, ठीक है इसी क्वेश्चन को यहां से मिटा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को जो है अब मुझे क्या करना है किसमें निकालना है सरफेस पे निकालना है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपकी लिमिट जो थी यानी कि वही चलेगी, तो क्या हो जाएगा सेकंड केस में, सेकंड केस में इसी इंटीग्रल में तो क्या हो जाएगा ई सरफेस है ना ई सरफेस, ठीक है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करोगे तो आर, ठीक है स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है डी थीटा डी फाई और आर के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो आर था ये आर क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि हम कहाँ चल रहे हैं आर इक्वल टू आर पे चल रहे हैं, ठीक है तो आपके पास क्या होगा ई सरफेस आर स्क्वायर आ गया बार, इसका फिर से आपको क्या करना है इंटीग्रल करना है किसका साइन थीटा डी थीटा का, तो किसमें करना है जीरो से पाई तक और इसका करना है जीरो से टू पाई तक, ठीक है तो कितना आएगा वह फिर से यह आ जाएगा फोर पाई, फोर पाई को उधर भेजोगे तो ई आपका सरफेस, ई सरफेस क्या आ जाएगा वह आ जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म आ गया। अब मैंने क्या कहा था आप हर एक क्वेश्चन को तीन स्टेप में सोल्व कर सकते हैं अगर आपने वो एरिया इंटीग्रल निकालना सीख लिया तो, अभी आपको क्योंकि ये आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं तो आप इसको पूरा सोल्व करते हुए निकालना आपके लिए बड़ा आसान है। जब हम ऐसी सिमेट्री में जाएंगे जो मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको जो आपके क्वेश्चन में आती है कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सिमेट्रिक है, ठीक है क्यू दिया है मान लीजिए रो दिया होगा रो खुद आर का फंक्शन होगा तब क्या करोगे, ठीक है उसके लिए मुझे ये आपको प्रिपेयर करना है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और लिख लेना कि जब मैंने आपको ई है ना, अच्छा इसमें तो फिर आएगा नहीं वो आगे आएगा वो आगे बात करेंगे हम उसकी जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में चलेंगे रो में, ठीक है आगे समझ में यहाँ से। अब नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्या करना है इनसाइड निकालना है, तो आ जाइए इनसाइड के ऊपर थर्ड नंबर थर्ड केस, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ई इनसाइड। अब आप इनसाइड की बात करते हैं तो इनसाइड का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं गाउसियन सरफेस बनाता हूँ इस तरह से तो इलेक्ट्रिक ये बनेगा मेरा क्या कि ये तो सेम ही रहेगा कि ई इन, ठीक है ई इन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं क्या कह रहा हूँ इसको आर कह रहा हूँ, ठीक है इसको आर कह रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर के, यह क्या होगा क्यू। अब इसके अंदर क्यू कितना है तो इसके अंदर जो क्यू है वो आपका क्यू कितना है जीरो, यानी कि चार्ज है ही नहीं तो ये कितना हो गया जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको पूरे को सोल्व भी कर लोगे तो लास्ट में जो इक्वेशन आपको मिलने वाली है यानी कि ये क्या है कि फोर पाई आर स्क्वायर,
फोर पाई आर स्क्वायर को डिवाइड में ले जाओगे तो कुल मिला के क्या मिलेगा आपको, ई जो इनसाइड होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो स्फेरिकल सेल के लिए क्या होता है, ये चीज आपको मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से हम चार्ज स्फीयर की बात करेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे, लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर की अभी इसलिए बात नहीं करेंगे, मैं आगे जब अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें चलेंगे। कंडक्टिंग स्फीयर की बात इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको कंडक्टर का एक जो है वो अलग से पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम उसके अंदर कैविटी में भी जाएंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, कैविटी की वजह से क्या चीज़ें होती है, तो जो कंडक्टर वाला पोर्शन है वो अपन एक बार सबसे लास्ट में जो है जब ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है यहाँ के बाद में जो है हम देखेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लेकिन स्फेरिकल सेल नहीं है, वो किसमें है, होलो स्फीयर के अंदर, पूरे के पूरे स्फीयर जो है उसके अंदर वो क्या कर रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो जो पूरे स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है कि वो इस अंदर तक फैला हुआ, उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब आप 12th वाली बुक में जाओगे तो आपको एक पेज का सोल्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक मतलब ट्रिक या फिर मान लीजिए कि जो हमने हमारा जो ये अपने सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल वाला है उस केस से जाएंगे तो सिर्फ 3 लाइन में आप उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू वेरी मच।